शौकिया तौर पे दोस्तों सांपों को बचाना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, आप अभी आपने जस्ट एक क्लिप देखी जहाँ पर एक नेट में फंसा हुआ है, उसे बचाने के प्रयास में बाइट हो जाती है। आप पूरे क्लिपिंग देखिए। नकुर बीड़े नकुर नंज वीडियो अंत कड़पे निकले बेले जन वीडियो का सांप कुछ उन जीवों में से होते हैं दोस्तों जिन्हें बचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ट्रेंड एक्सपर्टीज़ का काम होता है सांपों को बचाना। यहाँ पर जिस शख्स का वीडियो आपने देखा, ये एक ऑटो चालक थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका देहांत हो चुका है, और ये पेशे से ऑटो चालक थे महाराष्ट्र में, और शौकिया तौर पर ये सांपों को बचाते थे। लोग इनको कॉल करते थे और ये उन कॉल्स को अटेंड करके सांपों को बचाने का प्रयास करते थे। इस दिन भी नेट में शायद एक कोबरा फंसा हुआ था और इनके पास कॉल आती है, ये उसे बचाने जाते हैं, और इस प्रयास में थोड़ा सा इनसे मिसकैलकुलेशन होता है और बाइट जो है इनको हो जाती है। अगर आप वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इन्होंने उसको गलत तरीके से पकड़ा है। नेट में कोबरास कई बार हमने भी रेस्क्यू किए दोस्तों, लेकिन कभी अकेले उसको वहाँ से निकालना नहीं चाहिए। ऐसे सिचुएशंस में सांप जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए जो हो सकता है वो करते हैं। यहाँ पर उनको ये करना चाहिए था कि किसी और की मदद से, उन्होंने अगर सांप को होल्ड किया था तो किसी और से कहते कि नेट को काटते, उसके बाद वो उसे आज़ाद करवा पाते तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है और उसका खामियाजा उन्हें अपने जान देकर चुकाना पड़ा है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है, जो भी इस तरीके के अगर आपके पास कभी हालात होते हैं या इस तरीके की सिचुएशन बनती है जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई नेट में अगर कोई विषैला सांप फंसा हुआ है, तो आप किसी अपने दोस्त की मदद लीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए जो उस नेट को काट सके जब आपने उसे हेड होल्ड किया है। इस सिचुएशन में हेड होल्ड करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हेड होल्ड करने के भी तरीके अलग होते हैं। जिस तरीके से इन्होंने हेड होल्ड किया था वो तरीका गलत था। तो आप दोस्तों इस तरीके के काम मेरे हिसाब से तो ना करें, किसी पेशेवर को ही बुलाएं। नमस्कार।